हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? और सुबह सुबह सभी को राम राम, नमस्ते। तो भाई, आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी है और टाइम जो है वो हो गया है 5 का और मामा उठ रहे हैं 4:45 बजे के। 4 बजे तभी पहला उठ गए थे मामा आज, क्योंकि भाई आज उठना ज़रूरी था, क्योंकि आप सब ने पिछला व्लॉग देखा है तो आप सब ने पता होगा कि कल हमारी गहन जो है वह ब्याई थी और रात उसने घेरी जेर को न घेरी थी, देर में गिरी थी, बहुत ही लेट। तो उस टाइम फिर दूध निकाल नहीं सकते थे और जब तक पशु हुआ अगर मैं वो ब्यावा है उसकी जेर नहीं गिरता तब तक दूध नहीं निकालिया करते। और फिर ना नीरी लेट दूध ओ जेर गिरी थी तो फिर सुबह सुबह मामा 3 बजे जाना पड़ा वहाँ पर 4:45 बजे दूध निकालन। तो 4 बजे गए थे मामा मोड़ा और फिर इसका दूध निकाल कर लिया और वही खीस बना लिया मन्ना और गर्म पानी पिया मैंने इतना और मेरा इतना खीस बन गया है। तो ये देखो, और ये जो खीस है ना, ये वही जिस प्रकार भाई माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है ना, तो उसी प्रकार ये खीस है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम हुआ है और ये अच्छा हुआ सेहत के लिए खाना भी। तो भाई गाँव में जिसका डंगर रखा ना, सब ने पता भाई खीस के बारे में और सब नहीं पता होगा वैसे तो। तो भाई ये खीस और भाई आज भाई खीस खा लो तो इस प्रकार का बनाया करें ये खीस और इसकी आप बर्फी बना सको हो। यदि हमारी गाय नहीं तो देखूंगी बर्फी बनाऊंगी। तो भी उसके बाद फिर मैंने पानी पी लिया था गर्म करके और ये मैंने बना लिया चाय। तो भी 2 कप चाय बनाई है, एक मैंने अपने लिए और एक हस्बैंड के लिए। तो वो अंदर बैठे हैं और मैं उसके लिए चाय लेकर जाऊंगी और अपने खातर भी जाऊंगी चाय लेकर। और यहाँ पर भी मैंने गुड़ की चाय बनाई है तो ये गुड़ है। तो भाई आज भाई सुबह सुबह चाय पी लो और भाई जिस तरह जिस प्रकार नहीं अपने बच्चे हैं ना खुद के, तो उन किस तरह रखा है बहुत ही प्रेम तक प्यार तक सारी चीज़ों का ख्याल रखा उनका सभी का। इसी प्रकार तो नहीं पशु हुआ है किसी घर में, अपने बच्चे तक बढ़कर पशुओं की सेवा करनी पड़ा है और अपने बच्चे तक बढ़कर मानना पड़ा है भाई। तो गांव में सब ने अपने पशुओं ने बस नुए रखा उनकी, इतनी सब चीज़ों की केयर करनी पड़ा है, ठंड तय गर्मी तय सब चीज़ों तो बचाना पड़ा उन और बहुत ही ज़्यादा केयर रखनी पड़ा है जीव जाकर घर में वही पशु रहा है। और ईब मैं रख दी हूँ भाई उसके गाय के लिए शरबत और मैं शरबत रख दिया मैंने और खीस बना लिया है, चाय बना लिया, पानी पी लिया है। तो सुबह सुबह उठ कर भाई बहुत सारे काम हो गए हैं ये तो मैं कर दिए है मैंने। और थोड़ी देर बैठ कर मम दोनों भाई इस टाइम योर मोमेंट है कि इस टाइम भाई जी मम चाह पी है ना, तो थोड़ी देर बैठ कर दोनों जने एन बतला ला हैं दुख सुख की बस। और मैं इसके लिए लेकर जाऊँ चाय और इसमें मैंने डाल दिया गुड़ और भाई इसमें ना जो मम शरबत बना कर उसमें मम गिरा कर गुड़ और बनोड़े सब भाई जो जितने हरियाणा में उन्हें तो पता होगा भाई बनोड़े के हमारा, तो इसमें बनोड़े डाल लेंगे और गुड़ डाल लेंगे तो उसके लिए शरबत बनावेंगे। और भाई बने रहियो व्लॉग में और सपोर्ट करियो और भाई जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो। तो भाई मैंने डाल दिए बनोड़े और ये पक जाएगा इतना में हम चाय पीवेंगे। और भाई चलो ठीक है, मैं लेकर जाऊँ चाय उनके लिए और अपने लिए। और ई भाई इतना मन चाह पी तो वहीं बैठे बैठे मैंने सब्जी काट ली है और मैं सब्जी बनाऊंगी भाई। और मैंने जो तेल डाल दिया है कढ़ाई में और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और ये है प्याज, प्याज ने पका लेंगे और इसमें मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसने पका लेंगे। और इसके बाद फिर मैं डालूँगी भाई टमाटर, तो टमाटर डालने के बाद फिर इसमें भाई मैं नमक डालूँगी, नमक तो जल्दी जो ये टमाटर है ना थोड़ा मेल्ट हो जाए इसमें पिघल जाए। तो इसके बाद फिर मैं जो भी मसाले डालने हो वे डाल लिया करूँ, हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर, सिर्फ इतने मसाले डाल लिया करूँ, ज़्यादा मसाले नहीं डाल लिया कर दी क्योंकि भाई सादा जीवन ऊंच विचार वो बात है ना, तो मैं सादा ही सब्जी बना करूँ, वैसी ज़्यादा मसाले वाली सब्जी नहीं खाते मैं, हम कम ही मसाले डालना थोड़े बहुत हो भी। और भाई मटर और आलू की सब्जी बनावेंगे आज माम, तो मैंने आलू डाल दिया, मटर डाल दी है और ये भी अच्छी तरह कर लेंगे इसमें मिक्स। और भाई मैं बता दूँ इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल लूँगी मैं, क्योंकि ना जो बच्चों का डैडी है ना उसने ना ज़्यादा
वैसी सब्जी पसंद नहीं है, ग्रेवी वाली पसंद है, उसने थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए सब्जी में, वह बढ़िया लगा है। और इसके बाद फिर भाई सब्जी तो मेरी बनने लग रही है, मैं आटा ले आई हूँ छान का, और इब आटा भी घोलूँगी मैं। और मैंने ये देखो भाई रई लगा दी है, और इसमें घी आ गया है लगभग, और जो भी थोड़ा बहुत जरूरत होगा ना तो इसमें पानी पुणी गिर लूँगी, ठंडा गिरना या गर्म गिरना, वैसे तो ठंड हुआ है तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी गिरेगा, और जो सर्दियों ठंड हो गर्मियों में है उसमें ठंडा पानी चाहिए है, और गर्मियों में सर्दियों में गर्म पानी चाहिए है। तो भाई उरा में भी घोल लूँगी आटा, और आटा भिगो कर रख दिया है मैंने, और मैं भाई घी निकाल लूँगी, घी आ गया है। और वैसे तो भाई मम रोज़ घी नहीं बुला ना दूध नहीं बुलाते, क्योंकि ना कभी कभी जिस तरह कम दूध हो है ना तो इव कभी कभी बुलवा एक आधी बार तो थोड़ा बहुत घी निकला हुआ मक्खन, और भाई ये मक्खन काट लिया मैंने, थोड़ा सा ही निकला है। और ये देखो मेरी सब्जी बनकर रेडी है, इतना मैंने मक्खन निकाला, दूध बुलवाया और आटा भी होया तो सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो इस प्रकार ही भाई सारे काम मैनेज करने पड़ा है। और भाई सब्जी इसमें ना मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डालूंगी, बस थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, और इसमें गर्म मसाले में जो है डाल का वो भी कर लेंगे मिक्स। तो वही सब्जी बनकर रेडी होगी है, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी है भाई, ज़्यादा सूखी सब्जी नहीं है, तो इसी सी पसंद है उसने, ज़्यादा सूखी सब्जी पसंद नहीं है। और गोभी की भी वो इस तरह बनवा कर थोड़ा सा पानी डाल कर, और भी इसके बाद फिर बच्चे जो हैं वे भी उठ के हैं और रेडी हो गए स्कूल के लिए, तो उनके लिए मैं पराठे उतारती हूँ, और फिर उसके बाद पराठे उतारने के बाद इनका टिफिन तैयार करता फिर दे दूँगी बच्चों को, और स्कूल में चले जाएँगे। तो वही रोटी जो है मैंने पो ली है सारी, और मैं बच्चों का टिफिन तैयार कर दी हूँ, तो बच्चे भी बच जाएंगे भाई स्कूल में। तो वही ये था सुबह सुबह का रूटीन, तो वही 5 बज गए हैं, और मैं करूँगी कपड़े कितना है, और पता क्या वही आज मां उठ रहे हैं 4 बजे तो पहला के, यानी कि 4:45 बजे के उठ रहे हैं। मन सोचा था मगर सारा काम निपटा का है, और फिर मैं ना दिन में एक आधा घंटा सोऊंगी, लेकिन वो भी को नहीं हो पाया, क्योंकि ना मारे उरा कसूता वो बनाए रखा खाड़ा, जिन्हें कह रखा खाड़ा बनाए रखा बड़का ना गोली खेलने का, तो इतने रुक के मारिया जावा कभी काना मैं का बोला, और खासकर जीभ गणे सुनाई देवा है, जीभ सोने की कोशिश करा है, तो इतना बुंडा सा उठा है। तो फिर पढ़ने का टाइम में पता लग गया, और कुछ फिर वही कई बार ओड़ा भी जाना पड़ गया मना परले घर, तो इस उसमें बस कुछ नहीं हो पाया, तो मैं वही करूँ कपड़े की तय है। और भाई सुबह दिन में तो कुछ भी नहीं सूट होया, बस अपना यू ही सारा दिन का काम धाम अपना चलता रहा है। और कल मना कपड़े धोए थे, ये इनू के नू पड़े हैं कपड़े, और इनकी तय करके रखूँगी, और बच्चे गए हैं ट्यूशन पे चाय चूहे पी का, तो ठीक है भाई। और भाई ठीक है, आगे थोड़ा बहुत व्लॉग बनेगा तो बनाऊंगी, और नहीं बने तो भाई जितना भी व्लॉग है छोटा मोटा भाई सारे सपोर्ट करियो, और भाई जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जा करो भाई, और वीडियो ने लाइक कर दियो भाई, बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। और भाई बस आज की वीडियो बस यहीं लगती है।